झुंझुनू के रोडवेज बस डिपो पर आज जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दरअसल रोडवेज ने कुछ साल पहले सुदेश नाम के व्यक्ति को कॉफी शॉप के लिए किराए पर जगह दी थी, लेकिन जब पिछले साल रोडवेज बस स्टैंड का रिनोवेशन कार्य होना था तो इस कॉफी शॉप के समेत अन्य दुकान रुकावट डाल रही थी, जिनमें छोटी दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। वहीं सभी को समझाइश की गई, लेकिन तब भी कॉफी शॉप मालिक नहीं माना और वह हाईकोर्ट चला गया, जहां उसे स्टे मिल गया। लेकिन रोडवेज ने हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी और कोर्ट ने रोडवेज के पक्ष में फैसला दे दिया। 4 दिसंबर 2023 को हट स्टे के बाद फिर से कॉफ़ी शॉप मालिक को 2-3 बार नोटिस देकर दुकान हटाने का निवेदन किया गया, लेकिन कॉफ़ी शॉप दुकान न हटाने का अड़ा रहा। इसके बाद आज जिला कलेक्टर के आदेश पर SDM कविता गोदारा को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त कर इस दुकान को उठाया गया। बताया जा रहा है कि दुकान मालिक पर करीब 2 लाख रुपये का किराया भी बकाया है, जिसके लिए भी रोडवेज लगातार नोटिस दे रहा था, लेकिन यह पैसा भी अब तक जमा नहीं करवाया गया है। ये रोडवेज की जगह है और इस दुकान को अनुबंध पे दिया गया था, जिसका अनुबंध सितंबर में ख़त्म हो गया था। उसके बाद इसको खाली करवाने के लिए 3-4 नोटिस दिए गए, उसके बाद इसने खाली नहीं किया और ये लोग स्टे लेने के लिए कोर्ट में चले गए। इन्होंने स्टे ले लिया, लेकिन रोडवेज ने इनका स्टे खारिज करवा दिया और रोडवेज के पक्ष में इनका फैसला हो गया। उसके बाद रोडवेज वालों ने 3-4 नोटिस और दिए, फिर इनको अंतिम नोटिस भी दिया, भाई आप खाली कर दो। उसके बावजूद भी उन्होंने खाली नहीं किया, तो अभी इनको नोटिस देने के बाद भी खाली नहीं किया, तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज ये अतिक्रमण हटाया जाए।